दे रैन टू टेल द टीचर्स अबाउट इट। वो भाग कर अपने टीचर्स के पास जाते हैं और इसके बारे में सब कुछ बताते हैं। ऑन हियरिंग दिस स्टोरी द शी अंडरस्टूड वॉट इट वॉज। टेकिंग देम टू द वेल शी बेड देम टू बी क्वाइट। जब बच्चे उनके उन्हें बताते हैं टीचर्स को सारी स्टोरी, तो टीचर समझ जाती है कि आखिर में क्या हो रहा है। वो सब बच्चे को लेकर कुआं के पास जाती है और उन्हें चुप रहने को कहती है। देन लुकिंग इनटू द वेल, फिर वो कुएं में झांकती है। शी सेड हेलो, और कुएं में झांक कर बोलती है हेलो। दे हियर्ड अ स्वीट हेलो फ्रॉम द वेल, तो उसे बदले कुएं से बदले में एक बहुत प्यारी सी हेलो आवाज़ सुनाई देती है। यू आर एन एंजल शी एडेड, वो और बोलती है कि आप उसमें ऐड करके कि यू आर एन एंजल। तो द वॉइस एकोड द सेम, उसको कुएं से भी वही सेम आवाज़ वापस सुनाई फिर से देती है। फाइनली शी सेड आई लव यू, फिर लास्ट में वो क्या कहती है आई लव यू। तो सॉफ्टली केम द रिप्लाई आई लव यू, तो उसके कुएं से भी वैसे ही वापस आवाज़ आती है जैसे उसने टीचर्स ने उसे कहा था, उसी तरह से सेम उससे भी रिप्लाई वैसे ही मिलती है। द चिल्ड्रंस वर एनग्जियसली लिसनिंग, बच्चे बहुत उत्सुकता और चिंतित होकर ये सब कुछ सुन रहे थे और देख रहे थे। देन द टीचर एक्सप्लेन दैट इट वॉज एको, तो टीचर्स उन सब बच्चे को एक्सप्लेन करती है कि ये क्या है एको है, इसे जो भी होता है ये जो भी हो रहा है वो इसे हम लोग एको कहते हैं। शी टोल्ड देम दैट एकोज रिपीट वॉट एवर इज सेड, वो बताती है कि एको में जो भी अगर हम कुछ बोलते हैं या जो भी आवाज़ होती है वो सेम आवाज़ रिपीट होती है और हमें सुनाई देती है। अवर डीड्स आर लाइक एन एको, हमारी चाह बिल्कुल एको की तरह होती है। वी गेट बैक वॉट वी गिव, हमें वही वापस मिलता है जो हम किसी को देते हैं। इफ़ वी ट्रीट अदर्स वेल दे विल ट्रीट अस वेल, अगर हम किसी के साथ अच्छा बिहेव करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, तो वो भी हमारे साथ अच्छा ट्रीट करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे। इफ़ वी डू गुड गुड विल बी डन टू अस, अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी इज वी मस्ट ट्रीट अदर्स वेल इफ वी वॉन्ट अदर्स टू ट्रीट अस वेल टू। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो, हमारे साथ लोग अच्छा व्यवहार करें, तो पहले हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी बदले में हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो बदले में हमारे साथ अच्छा होगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी, तो इसे आप हमेशा याद रखिएगा और हमेशा अपनी ज़िंदगी में इसे फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। इफ़ यू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस देन स्टे एट होम एंड स्टडी एट होम। Take care. Bye-bye.